महाराज को फिर कभी घूम गई है किसी से हिट किया गाड़ी कहाँ पे जहाँ रिमोट में जहाँ पानी रुका है बहुत ज्यादा। तो क्या प्रशासन को क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो एक चाहते हैं कि ये पानी भी जो है इसके एक तो कारण पानी का बना है, बड़ा कारण तो पानी का, दूसरा कारण ड्राइवर का भी है लेकिन तो पानी का भी कारण है। हर दिन जहाँ ये जो एक्सीडेंट यहाँ पर मकर खड़ के करीब जो की जेके ब्रांच की जेके बैंक की ब्रांच है इसके पास हुआ है, तो अच्छी बात ये है कि किसी भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी किसी को भी इतना ज्यादा लगी नहीं है। एक 65 वर्षीय इनके साथ लेडीज बैठी थी जिनको थोड़ा सा लगी है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन से हमारी यही अपील है कि आए दिन हमने देखा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट जो है वो होता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो लोगों का हुआ है, मतलब पहले तो जाने भी गई हैं लोगों की, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। रोड का कोई काम लगा है, अगर पानी रुकता है तो वहाँ कोई ना कोई बैरियर छोटा मोटा लगाना चाहिए। ये हाईवे है, ये कोई लिंक रोड तो है नहीं है कि आप छोटा मोटा लिंक रोड है तो काम चल पड़ेगा। ये हाईवे है, यहाँ लोगों को नुकसान हो सकता है। ये छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी होती तो मुझे लगता वो पलट करके ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो इसलिए प्रशासन से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा जाए कि यहाँ पे बैरियर लगाएं। बारिश की होने की वजह से आप पीछे देख रहे हैं कि पानी कितना रुकता है, पहले भी यहाँ पानी नाले में आता है तो उस वजह से गाड़ियों का जो है एक्सीडेंट का होना रहता है। तो इसलिए प्रशासन से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये कहा जाए कि यहाँ बैरियर्स लगाए जाएं और लोगों की सेफ्टी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।